कल हम निकलेंगे चंद्रताल। पेडल टनल आगे ये आपका रोहतांग पास के लिए, और नीचे से आपका जाता है चंद्रताल काजा। बियॉन्ड दिस पॉइंट नो नेटवर्क, काइंडली मेक कॉल टू योर फैमिली एंड फ्रेंड। वहाँ भी कैंप्स हैं, पीछे हम देख के ये भी कैंप्स है और सामने तो कैंप्स ही कैंप्स है। लोगों का विश्वास है कि रात्रि के वक्त इस झील में परियां स्नान करती है। पहला व्यू है लेक का। सभी को राम राम। राम राम भाई। तो भाई हम निकल चुके हैं आज, आज डेट है 27 सितंबर, और हम अभी हैं मूर्थल वाले हाईवे पे। अभी हमने जस्ट मूर्थल वाला टोल क्रॉस किया है और टाइम हो रहा भाई 3:45, मतलब 4:15 हो गए हैं रात के, और अब हम निकल रहे हैं मनाली की तरफ। तो आज हमारा प्लान है, देखते हैं शिशु या मनाली में से किसी साइड कहीं रुकेंगे, और कल हम निकलेंगे चंद्रताल। भाई ये देख लो, ये हीरो सिटी मोहाली का। तो अभी जैसे अम्बाला में काम चल रहा है, इस वजह से हमें अंदर चले जा रहे हैं। बाकी टाइम हो रहा भाई अभी फोकस कर लेते हैं 6:40। अभी हम बस मोहाली पार कर रहे हैं। हम स्वर्ग घाट जो था जहाँ पे टैक्स लेते हैं 60 रुपये, वो हमने टोल पे कर दिया और जरा सा ही अभी आगे बढ़े, और ये पहला टनल आ गया भाई, टनल नंबर 1। टाइम हो रहा है आपका 8:10, देख लो भाई टनल नंबर 1। आज बताता हूँ आपको कितने टनल चालू हो गए। पत्थर चेक करो कैसे पड़े हैं, कब ढह जाए कोई पता नहीं। भाई बन रहा है भाई रोड, अभी यहाँ पे लगेगा एक, मुझे लगता है 1 साल और। चलो टनल नंबर 13, तो भाई 1 से लेकर के 5 तक तो चालू हैं, फिर अंदर से थोड़ा बहुत हमें चल के आना पड़े, मतलब बाकी टनल चालू नहीं है। फिर 11 से स्टार्ट हुए हैं, 11, 12 और ये 13वें में हम घुसे हैं। तो भाई मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ। ये मनाली में हमने रूम लिया, ये आपका भाई सामान रखने के लिए स्पेस है, और नीचे कंबल भी दे रखा है, यहाँ पे हमने अपना बैग वैग रख दिया है। ये हूँ मैं, ये हमारा वॉशरूम है, वॉश बेसिन हो गया, सीट है, इधर बाथटब है, ऊपर शावर है, बाल्टी भी दे रखी है, नाइस एंड कोजी टाइप वॉशरूम। और ये आएगा रूम, ये नीचे भी स्पेस है, वैसे तो ये इन्होंने फ्रीजर रखने के लिए बनाया पर अभी है नहीं इसमें। ये भी कैटल है, और यहाँ पे सारे चाय वाय भी बनाना चाहो, टीवी आ गया, और ये हमारा रूम है देख लो भाई, ये बेड, यहाँ भी अच्छा खासा मिरर है, और बढ़िया पेंटिंग, ये सेंट्रलाइज्ड एसी है, फैन है, और यहाँ पे एक सोफ़ा है, आराम से बैठ सकते हो। यहाँ पे काम करने के लिए आपके पास चेयर और कुर्सी है, और ये हमारा बालकनी है, ऐसे ओपन होगा, और ये है भाई बालकनी, भाई बैठे हैं यहाँ पे, और ये रहा भाई उनका नीचे खाने का भी एरिया है यहाँ पे सिटिंग, और इधर भी सिटिंग एरिया। तो कुल मिला के ये है, हमें ये पड़ा है कुछ 2700 समथिंग, मतलब 2800 के आसपास पड़ा है टैक्स, और अभी इसमें एक बेड और हम लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा, रात को लगाएंगे, अभी तो जरूरत नहीं है, तो सोएंगे उस टाइम लगा लेंगे। स्टे है जहाँ रुके हुए, उसका नाम है सन पार्क होटल रिजॉर्ट एंड स्पा, और नागर वाले रोड पे ही है, बस जहाँ से आप मनाली से लेफ्ट लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, वहीं से बस आपको नागर वाला जो रोड है चढ़ते ही आपका मुश्किल से 100 मीटर 200 मीटर पे ही है। मेन रोड पे तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्किंग पे बहुत है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम हो रहा अभी 2:45, तो अब सोच रहे हैं कि थोड़ा सो लेते हैं, एक पावर नैप ले लेते हैं, फिर शाम को देखते हैं क्या करते हैं। टाइम हो रहा 7:20, और ये अगर पीछे मैं आपको दिखाऊं, एक ये नागर वाला रोड था, अब यहाँ से हम अपने होटल से निकले हैं, और अगर आप ये देखो ये वाला जो रोड है ये मनाली से आता है, ये आगे जाता है आपका अटल टनल की तरफ। तो अब अपन निकल रहे हैं अटल टनल की तरफ। आज है 28 सितंबर सैटरडे, और फर्स्ट डे तो हम सीधा आए थे मनाली और वहीं रुक गए थे, बाकी अब यहाँ से आज जा रहे हैं चंद्रताल की तरफ। 7:20 हो रहा, देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। टांग वैली पहुँच गया, ये है सामने, ये देख लो भाई, ये है सोलांग वैली, अब
अभी तो भाई बर्फ नहीं है, सिर्फ ग्रीनरी ही आपको दिखाई देगी। अभी यही 2 महीने बाद आ जाओ, यहाँ भीड़ देखना कितनी रहेगी भाई, भयंकर भीड़। टाइम हो रहा भाई 7:40, 20 मिनट लगे हमें सोलंग वैली तक आने में, टटल टनल आगे। टाइम हो रहा 8:00 में, 2 मिनट, 2 मिनट की यहाँ पे चेकिंग हुई। बस वो पूछा था सिलेंडर विलेंडर तो नहीं है आपके पास, क्योंकि अंदर सिलेंडर अलाउड नहीं है एलपीजी। टनल पार कर गए हम, ये है यहीं से अभी अपन आए हैं। और अगर आप ये देखोगे इधर सामने शिशु लद्दाख के लिए आप जांच कर वगैरह इधर जा सकते हो, और इधर राइट आपका रोहतांग से मतलब इधर से जाते हैं, और यही आपका काजा स्पीति जाता है। जस्ट कोकसर में एंट्री करवाई अपनी, और अभी आगे बढ़ रहे हैं अपन। ये जो रास्ता है यही आपका, अगर ये मेन रोड पकड़ के, यही रोड पकड़ के निकल जाओगे तो रोहतांग पास, और फिर पार करके आप मनाली की तरफ निकल जाओगे। और अभी यहाँ आएगा एक नीचे को रास्ता, कच्चा सा रास्ता, वो आपका जाता है चंद्रताल और आगे काजा स्पीति वगैरह। ये देखो अगर आपको मैं बोर्ड दिखाता हूँ, जूम अगर ये कर लेता है फोकस, देखो 18 किलोमीटर रोहतांग, इसी रोड पे अगर जाते रहोगे तो रोहतांग पास आपका 18 किलोमीटर पर आ जाएगा। तो मैं अभी पिछली बार आया था रोहतांग पास, तो इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं और डायरेक्ट निकलेंगे अपन चंद्रताल। यहाँ से ये रोड सीधा जाओगे, ये आपका रोहतांग पास के लिए, और नीचे से आपका जाता है चंद्रताल काजा, ये सारे रोड इधर जाते हैं। अभी आपको देखो यहाँ बोर्ड पे भी आ रोगे लिखा भी है, और यहाँ पे देखो ये भी लिखा हुआ है। एक सेकंड फोकस करता हूँ। बियॉन्ड दिस पॉइंट नो नेटवर्क, काइंडली मेक कॉल टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू अवॉइड वरी, ठीक है। और ये बोर्ड देखो पढ़ लो, ये ग्रम्फू है, ये इस जगह को ग्रम्फू कहते हैं। छत्रु आएगा आगे, फिर बत्तल, वहीं से आपका रास्ता कटता है चंद्रताल के लिए, और सीधा चले जाएंगे तो काजा स्पीति आ जाएगा। ये देख लो रोड, रोड तो खैर क्या ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही मिलेगा आगे जाके तो। और भी मुझे याद है 2022 में आया था मैं भाई आगे, उसके बाद तो बिल्कुल पत्थरों पर ही गाड़ी चल रही थी पूरे चंद्रताल तक। और अगर आगे जाते हो तो काजा से थोड़ा पहले स्टार्ट होती है रोड, मतलब थी रोड, और मतलब लगभग काजा तक तो आपको ऐसा ही मिल जाता है। कुंजुम पास पार करने के बाद रोड आता है भाई, देख लो भाई ऐसा ही मिलेगा। बाकी अभी नया देखते हैं कुछ क्या अपडेट हुआ है 2 साल के अंदर। देखो भाई ये बंदा मिल गया, बहुत देर से रुका हुआ था, सिर्फ साइकिल साइकिल से कर रहा भाई, ठीक है। जो अभी दिखाता हूँ उसमें साइकिल है उसके, हाँ देखो मिरर में देखो साइकिल दिख रही है, तो भाई कोलकाता से कर रहा है। और ये इधर से ही आए क्या, सामने से आए? अच्छा अच्छा ट्रैवलर से है। हाँ हाँ अच्छा अच्छा चंद्रताल तो नहीं, मतलब कोलकाता से साइकिल चला रहा भाई, और साइकिल से ही कर रहा पूरा स्पीति सर्किट, अभी वापस जा रहा मनाली की तरफ। तो अभी इसने हमें रोका था कि भाई एक दो फोटो खींच दो, तो भाई हमने खींच दिया, निकल रहे हैं भाई आगे की तरफ। अब वही बता रहा, कह रहा भाई रास्ता तो पूरा यही है, भाई की साइकिल ख़राब हो गई थी तो भाई ने खैर चंद्रताल तो किया है ट्रैवलर से ही, क्योंकि साइकिल के ब्रेक ख़राब हो गए थे टांग के। देखो बोरा सामने आप My life is story, I'm trying to find the glory. Got them all sleeping on me, my haters out here dying, snoring. Why they mad that I'm finally growing, and they see me fighting for it. What they wanna get involved for, I kill them all off until I'm enormous. Cause 9 to 5 is boring, grinding 5 in the morning. I'd rather make music, get paid for it, die with a fortune. And my ride is foreign, every whip I drive imported. Anybody know me, they know, for this game, no, I'm dying for it. I'm on now. Give me that crown, yeah. Ain't nobody out here really wanna with me. I'm on now. Give me that crown, yeah.
I'm going hard while you falling asleep. I got it all cause I deserve it all. Just being honest, they don't wanna see me honest. I'm taking over this game now and that's a promise. They out of pocket, they don't wanna believe I got it. Give me that crown now cause I'm the king, call me your highness. Paid absolutely, cause you better knew a boss like Takeoff. I ain't left all bad and bougie. Heard them talk, they barely knew me. I ain't let no stranger fool me. When I came in the game, y'all showing that fake love. I ain't look past your jewelry. Now this ride is foreign. Every whip I drive imported. Anybody know me, they know. For this game, no, I'm dying for it. I'm on now, give me that crown, yeah. Ain't nobody out here really wanna be me. I'm going hard while you falling asleep. I got it all cause I deserve it all, all. Just being honest. हम वीडियो बनाने गए थे जरा पुल पे. हमने गाड़ी खड़ी करी, बेचारे को इतनी धूप लग रही है, छाँव में खड़ा हो गया गाड़ी के. ये था वो ब्रिज, यहाँ पे बना रहे थे हम वीडियो. ये गाड़ी खड़ी, हम निकल रहे हैं आगे. ये है छतरू, अब बत्तल आएगा. ये ना पहाड़ काटे हैं साइड से, तो ये BRO भी पीछे भी काम कर रही है. इस पूरे मतलब रोड को काफ़ी चौड़ा कर रहे हैं ताकि आराम से कम 2 लेन टाइप बन जाए. तो काम चल रहा भाई जोरों शोरों से. और एक बार कटिंग कर रहे हैं, भी कटिंग करने के बाद बहुत पीछे बता भी रहे थे कि भाई यहाँ पे बनेगा हाईवे टाइप प्रॉपर. तो मेरे को लगता है शायद 2 साल आने वाले 2 साल बाद अगर आओगे यहाँ पे प्रॉपर आपको रोड मिल जाएगा. और अभी काफ़ी चौड़े भी कर दिए भाई रोड, देख लो भाई. पहले तो जो इतने चौड़े नहीं थे, अब काफ़ी चौड़े कर दिए. तो ये अपडेट है भाई. अभी बाकी टाइम हो रहा है 10:40 और भाई कमर की बैंड बज चुकी है पूरे रास्ते. मतलब ऐसा ही है पूरा ऑफ रोडिंग भाई, पूरे चंद्रताल तक. और वापसी भी हमें ऐसा ही मिलेगा. तो 2 दिन तक हम भाई ऐसे ही रोड पर चलेंगे. ये देखो भाई BRO के कैंप्स बने हुए हैं, लोग बाग रुके हैं इधर. BRO के फुल भाई तैयारी कर रहे हैं, एकदम रोड वोड बना रहे हैं मस्त वाला. 2 साल और रुक जाओ मैक्सिमम, नहीं तो 3, उसके बाद तो भाई कुछ नहीं है. चंद्र साल ऐसे पहुंच जाएगी दुनिया, कोई भी पहुंच जाएगा. रास्ते में यहाँ पर जाम लगा हुआ है, मेरे ख्याल से शायद आगे या तो कटिंग हो रही है या कुछ तो हो रहा है. क्योंकि ये जो गाड़ियां हैं, ये इसके आगे एक गाड़ी है वो हमसे कम से कम आधे घंटा आगे था, बहुत देर से खड़ा ही है. पीछे भी काफ़ी जगह कटिंग वगैरह कर रहे हैं, पत्थर वत्थर काट रहे हैं. और देखते हैं क्या सीन चल रहा है. भाई बात यहाँ देखो तुम, मस्त हवा बहुत तेज चल रही होगी. यहाँ चल रहा भाई JCB का काम. यहाँ पे हमने अभी राजमा चावल और दाल चावल मिल रहे थे यहाँ पे, ये वो खा लिया और 3 चाय पी ली है. तो भाई राजमा चावल मतलब चावल का जो प्लेट है वो 150 रुपये की प्लेट है और चाय का रेट था 20 रुपये. तो अब खा लिया हमने, टन हो लिए. 1:10 है, 12:50 हो रहे हैं. ये देख लो, ये ऊपर वाला रास्ता जाता है कुंजुम पास और ये है चंद्रताल. देखो लिखा हुआ है वेलकम चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो हम भाई जा रहे हैं चंद्रताल की तरफ. यहाँ से 13 किलोमीटर है, यहाँ से भाई 13 किलोमीटर है, देख लो. चलो रोड ऐसी है भाई, बहुत पतले रोड है यहाँ वाला. एक गाड़ी आ जाए ना सामने से,
तो भाई आप बस पहले आप और कौन पीछे करेगा वही करते रह जाओगे। ये देखो सामने यहाँ भी कैंप है, वहां भी कैंप्स हैं, पीछे हम देख के आए थे ये भी कैंप्स है और सामने तो कैंप्स ही कैंप्स है भाई, बहुत सारे कैंप्स है भाई। यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं कैंप्स और यहाँ पे अभी हमने एक से पता किया, ये 1200 रुपए हमें कह रहा पर पर्सन, डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। शाम को अंधेरा होने के बाद ये लोग लाइट जलाएंगे 4-5 घंटे के लिए जनरेटर से बस, और बाकी चार्जिंग वार्जिंग के लिए तो भाई आपको अंदर कोई सॉकेट नहीं है, आप इनको दे दो बाहर फोन चार्ज करके दे देंगे। आगे एक बार और पता करके आते हैं, कुछ अगर सही सा मिल जाए तो देख लेते हैं, नहीं तो फिर यहीं आ जाएंगे। ये सामने हमने गाड़ी पार्क की है, पार्किंग है, यहाँ से आगे गाड़ी नहीं आ सकती, यहाँ से आपको चलना पड़ेगा। और ये है भाई ट्रैक, सांस फूल रही होगी तो भाई देख लेना बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे, इस वजह से बाकी थोड़ा बहुत हवा तो यहाँ चल ही रहा है। और इस पे लिखा हुआ है पर्यटकों को सूचित किया जाता है कि यह झील स्थानीय लोगों की आस्था का प्रतीक है, लोगों का विश्वास है कि रात्रि के वक्त इस झील में परियां स्नान करती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर को इसी स्थान से स्वर्ग के द्वार प्रदान किए गए थे, अतः झील में तैर कर नहाकर और कपड़े धोकर श्राप के भागीदार न बने। ठीक है भाई, भाई अपन ट्रैक कर रहे हैं, सांस फूल चुकी है भाई, मजा आ रही है। और भाई तुझे भाई अभी तो नहीं आ रहा, भाई को ट्रैक कह दो तो भाई की फट जाती है, और फट तो हमारी भी रही है, सोना बहुत है ना। साल के बारे में एक बार देखना जरूर चाहिए। बिल्कुल भाई देखो 4290 मीटर पे है ये, अन कैमरे में कितना आ रहा है, पर ये जो पहाड़ है ना सामने इसमें कम से कम 7-8 तरीके रंग के मतलब पहाड़ दिख रहे हैं मुझे, ऊपर में थोड़ा सा ग्रीनिश सा है, फिर थोड़ा ब्राउन, फिर थोड़ा सा ब्लू, फिर नीचे अलग ही ब्राउन का टेक्सचर है, मतलब एक ही पहाड़ पे कम से कम जो है 7-8 रंग लग रहे हैं दिख रहे हैं मुझे, फिर यहाँ पे थोड़ा रेडिश भी है इधर को। तो यहाँ पे क्या कि आपको पहले थोड़ा सा चढ़ाई करनी है, फिर ये थोड़ा नॉर्मल है, फिर वहाँ जो बंदे दिख रहे हैं आपको सामने जाते जाते हुए बस यहाँ से फिर नीचे उतरना है हमें। पीछे देखोगे ना भाई उधर ये सारे स्नो माउंटेंस हैं इधर, और अपन ट्रैक कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे फॉरनर्स बहुत सारे आ रखे हैं इस टाइम पे, ऑलमोस्ट समझ लो एंड ही है भाई, 10 दिन के अंदर मैक्सिमम सारे बंद हो जाएंगे यहाँ से। ये देखो भाई यहाँ से पहला व्यू है लेक का, They barely knew me. I ain't let no stranger fool me. When I came in the game, y'all showing that fake love. I ain't look past your jewelry. Now this ride is foreign. Every whip I drive imported. Anybody know me, they know for this.